आपने पढ़ लिया होगा और ये एक बिल्कुल सच बात है और ये कोई झूठ नहीं है, कोई मजाक नहीं है। गोड्डा में फ्री में आपको होटल मिलेगा, कमरा मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी। आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, अगर आप बाहर से ट्रैवल करके गोड्डा आते हैं, कितने बजे रात में भी आते हैं, तो सरकारी व्यवस्था है और फ्री में निःशुल्क आपको यहाँ पर स्टे के लिए जगह मिलती है। तो अंदर चलते हैं और वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या क्या व्यवस्था है। जिला मुख्यालय में बीचों बीच गांधी मैदान के ठीक पीछे आपको ये निःशुल्क रैन बसेरा दिखेगा और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ व्यवस्था है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ का टेंडर रहता है और आपको तमाम वो व्यवस्था मिलता है कि जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको गद्दा मिलता है, कई तरह के बेड लगाए बेड यहाँ आपको मिलेंगे, तकिया मिलेगा, कंबल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मच्छरदानी मिलेगा और कई सारे कमरे हैं यहाँ मिलेंगे आपको। और हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी समझते हैं कि इस इतनी अच्छी व्यवस्था है और नगर परिषद की तरफ से, उसके बाद भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप कहीं से भी आते हैं, अगर आपको रात गुजारना है, स्टे करना है, तो आप आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। निःशुल्क, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं लिया जाता है। और हम ये आपको लोकेशन बता दें कि गांधी मैदान के ठीक पीछे और हॉस्पिटल रोड में आपको ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, डॉक्टर प्रदीप सेना के ठीक सामने। और यहाँ सिर्फ ये व्यवस्था नहीं है कि आप रह सकते हैं, यहाँ टॉयलेट वॉयलेट भी प्रॉपर व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है और तमाम चीज़ें हैं जो आपको एक रात स्टे करने के लिए चाहिए। तो अगर आप बाहर से कहीं से भी आते हैं गोड्डा, अगर आप रात के वक्त भी उतरते हैं, तो आपको यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। और ये चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो हम तमाम वो चीज़ें आपको दिखा दें कि इसका नाम आश्रय गृह दिया जाता है नगर परिषद के तरफ से, और जितने भी शहर हैं सबों में ये झारखंड सरकार के द्वारा एक बेहतरीन पहल है। ये आश्रय गृह है, पुरुष महिला कोई भी आकर रह सकते हैं। प्रदीप सिन्हा के ठीक समीप गुड्डा, देखिए तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएँ क्या क्या हैं, निःशुल्क पानी, बिजली, शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, बेड, गद्दा, मच्छरदानी, कंबल, चादर, सब चीज़ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ जो अटेंडर हैं हम उनसे बात करते हैं, व्यवस्था दी जाती है यहाँ पर रहने का, ठहरने का व्यवस्था दिया जाता है। अच्छा, तो लोग कितने आते हैं अमूमन, क्या लगता है? कभी तीन कभी चार। इसकी वजह है कि जानकारी सबों को नहीं है, इसलिए लोग कम पहुँचते हैं। बीच में वो प्रशासन सब रहता था, उस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी पूर्ण रूप से संचालित है, 24 घंटे में कभी भी लोग आते हैं तो आप लोग दे देते हैं रास्ता। देखिए, अमीर हमारे शहर आएंगे तो उनके लिए बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन गोड्डा शहर उनको आना है और एक दिन से ज़्यादा रहने की नौबत आ जाती है, तो आपके लिए ये एक वरदान के अलावा और कुछ नहीं है, वरदान साबित हो गया लोगों के लिए। निःशुल्क रैन बसेरा आश्रय गृह सबों में झारखंड सरकार के द्वारा एक बेहतरीन पहल है सरकार की। आश्रय गृह पुरुष महिला कोई भी आकर रह सकते हैं। हालांकि रखरखाव थोड़ा कमजोर है क्योंकि नगर परिषद को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। सुविधाएं क्या क्या हैं, निःशुल्क कुछ आईआरबी विमानों का शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, बेड, गद्दा, इस वजह से मच्छरदानी, कंबल, चादर, सब चीज आपको यहां मिलने वाला है। लेकिन फिर से यहां जो अटेंडर है उनसे बात करते हैं, नगर परिषद के द्वारा की गई है और भी क्या क्या यहाँ मिलने वाला है, व्यवस्था क्या क्या रहता है यहाँ पर, ये एक अच्छा किधर गया